नमस्कार, एमपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है। सदन में कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बीजेपी विधायक विश्वास सारंग को सही जानकारी जुटाने की नसीहत दे दी है और ये भी कहा है कि आपके अधिकारी आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान रीवा की चुरहट से बीजेपी विधायक शरदेन्दु तिवारी ने कहा कि रीवा मेडिकल कॉलेज में 4 घंटे बिजली नहीं मिली, जिसकी वजह से आईसीयू में भर्ती एक मरीज की मृत्यु हो गई। वो वेंटिलेटर पर थी। वहीं उन्होंने मेडिकल कॉलेज में आईसीयू सीसीयू की हालत खराब होने का मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि कई मरीजों की मौत जो अस्पताल है उसमें अव्यवस्था के चलते हो रही है। इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि रीवा मेडिकल कॉलेज में 22 नवंबर जिस दिन की घटना का जिक्र रीवा के विधायक कर रहे हैं, उस दिन सुबह केवल 5:05 के लिए बिजली गई थी। जनरेटर से लाइट तुरंत चालू हो गई थी और जिन मरीज की मृत्यु की बात वो कर रहे हैं वो 23 नवंबर की सुबह हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली वेंटिलेटर सभी के लिए बैकअप की व्यवस्था रहती है। वेंटिलेटर में इनबिल्ट बैकअप रहता है जो 6 घंटे तक चलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 डॉक्टर्स ने इसकी जांच की थी और जांच में जो तथ्य आए थे उसके अनुसार उन्होंने ये जवाब दिया है। विश्वास सारंग के इस जवाब के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि मैंने खुद रीवा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है, वहां आईसीयू में एसी नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री जी, आपके अधिकारी ने सही रिपोर्ट नहीं दी है। साथ ही कहा कि जांच जो है वो डॉक्टर्स के बजाय तकनीकी विशेषज्ञों से कराएं और ये भी कहा कि इसमें विधायक को भी शामिल किया जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसमें विश्वास सारंग जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो अपनी ही पार्टी के विधायक से घिरते हुए दिखाई दिए, जिसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम उन्हें नसीहत देते हुए नजर आए हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।